21 अगस्त को मुझे नकोदर चौक से ज्योति चौक जलंधर में जाने का मौका मिला। रात के लगभग 9 बजे थे। मेरी नज़र एक भीड़भाड़ वाली जगह पर पड़ी। सामने बोर्ड पड़ा तो फ्रेश बाइट का बोर्ड नज़र आया। फिर मुझे याद आया कि ये शॉप आजकल सोशल मीडिया पर बहुत छाई हुई है, अखबारों में भी इसका नाम आ रहा है और इस मशहूर शॉप की वजह से पीछे कुछ तनाव भी हो गया था, यानी कि साथ लगती गली वाले भी इस शॉप पर ज़्यादा भीड़ के कारण परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी गली में लोग स्कूटर कार खड़ी कर जाते थे और उनको निकलने में मुश्किल होती थी। मेरे दिल में भी इनको पास जाकर देखने की इच्छा जागी। जब मैं इनके पास गया तो देखा कि एक बहुत ही सिंपल सा जोड़ा इस पिज़्ज़ा कूलर नाम की दुकान को चला रहा है। सहजप्रीत सिंह, जो कि मिस्टर पटियाला रह चुके हैं, लगभग 7 साल से ये काम कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर जयपुर से हैं और आईटी कंपनी में काम करती थी। इन दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई और 3 दिन में एक दूसरे को प्रपोज कर लिया। 4th दिन इनकी शादी पक्की हो गई। इनकी शादी को लगभग 1 साल हो गया है। ये आजकल सोशल मीडिया में इतने छाए हुए हैं कि YouTube से लेकर Instagram, Facebook, TV चैनलों, अखबारों में इनकी बहुत चर्चा हो रही है। जलंधर शहर के अलावा पंजाब के और शहरों से भी लोग इनके पास पिज़्ज़ा कूलर, बर्गर या और पास्ता वगैरह खाने के लिए आ रहे हैं। इनकी शॉप के पास इतना रश हो जाता है कि लोगों को घंटों चीज़ें लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। लोग इनकी चीज़ खाने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ये कपल लगभग दोपहर 1 बजे अपनी दुकान पे आ जाता है और सामान की तैयारी करता है और रात 2 से लेकर 2:30 बजे तक अपनी दुकान पर ऐसे ही खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। इस कपल की हमने इंटरव्यू लेना चाही, परंतु रश ज़्यादा होने के कारण हमने खुद ही ऐसा करने से संकोच किया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इनके पास टाइम बहुत कम था। हमने सोचा कि चलो आज खुद ही हम इनके बारे में अपने मुँह से बता दें जो कि हमने सोशल मीडिया पर सुना था। इस जोड़े को आपस में काम करते हुए या इतने मेल मिलाप से काम करते हुए हमारे दिल को बहुत सुकून मिला। सोचा कि इस महंगाई के दौर में या इस बेरोजगारी के दौर में अगर हर परिवार ऐसे मिलकर काम करे तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता या कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य पूरे नहीं कर सकता। मेरी सभी लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको पेश कर सकें, ताकि जनता का हौसला बढ़ सके। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे द्वारा फिर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी का रोज़गार और ज़्यादा बढ़ सके। इस आगे मैं आपको और बताता हूँ कि इस कपल द्वारा ऐसे मिलकर काम करना हमें ये प्रेरणा देता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम कोई भी हो लगन से करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि लड़कियां समाज में बोझ नहीं हैं, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हैं। ये लड़कियां ना अपने माँ बाप पर, ना अपने पतियों पर, ना अपने भाइयों पर, ना अपने परिवार पर बोझ नहीं बन सकती। कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, मतलब कि अगर आप में कोई काम करने की हिम्मत है तो भगवान भी आपका पूरा पूरा साथ देता है। तो दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वीडियो को दोबारा बंद कर रहा हूँ। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।